हेलो दोस्तों, बहू से नफरत, एक दर्द भरी हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। मम्मी, अब इस विषय में आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा कि बेटा, तू समझता क्यों नहीं है, हमने तेरे सामने ही सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे करते? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है बेटा, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था और ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ माँ, इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से ही करूँगा और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर में रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले ही सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई। दोस्तों, उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, दिमाग में बस वही बातें चल रही थी और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता था, लेकिन सिया पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी दोस्तों। और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे और एक दिन तो अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उससे पूछा कि बेटा, आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया कि माँ, आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई थी मेरी तो। तब रमा जी ने कहा कि चल बेटा, जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने के लिए गए दोस्तों। तभी डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को तो पीलिया हो गया है। और दोनों जैसे ही घर लौटे, रमा जी ने तो घर को ही सिर पर उठा लिया और कहने लगी कि जब से यह लड़की हमारे घर आई है, तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ में लेकर के ही आई है यह लड़की, इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। और उन्होंने कहा कि कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? तभी सिया ने कहा कि मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचे दिखाओगे मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी सासू माँ। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए आज मैं जरूर बोलूँगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारे मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है सासू माँ, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को ही परेशानी में डाल देता है माँ। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है।
बहू को अपनी बहू माने और उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है सासू माँ, क्योंकि घर में जब ऐसे चलते रहते हैं एक दूसरे के हम ऐसे ही अपमान करते रहेंगे तो कोई भी खुश नहीं रहता है। दोस्तों, सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस भी जाने लगा। एक महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई, तब उसके घर आकर इसका श्रेय सिया को दिया तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा, तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया है बेटा। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बार सिया का मांगली दोष मुझ पर और न ही मेरी तरकी पर नहीं लगा, और माँ जब हम बुरी परेशानी में होते हैं तो इसका श्रेय सिया को देते हैं, तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो सिया को ही देना चाहिए, तो इसलिए आज का सारा श्रेय सिया को ही जाता है, अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसे समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं दोस्तों, कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी हमारे जीवन में गम भी आते हैं, इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू और तेरी तरकी ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी दोस्तों। और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पता नहीं कैसे अंधविश्वासों में जी रहे हैं आजकल भी हम सब, क्योंकि अभी साइंस का ज़माना है, तो ये अंधविश्वास छोड़िए और ज़िंदगी में सुख और दुख साथ साथ चलते रहते हैं, ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, हम सभी घर में एक साथ मिलजुल के रहेंगे तो सारे दोष मुक्त हो जाएंगे दोस्तों हम सभी। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी सभी को।